हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम उपेंद्र सिंह की बुक प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर से पहले जो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण दे रखी थी, उसमें हम यहाँ पर दूसरा टॉपिक देखने वाले। दूसरा टॉपिक कौन सा है? भारतीय अतीत के विभाजन की रूपरेखा। तो अंग्रेजी शब्द जो है, अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री, अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री, ग्रीक शब्द हिस्टोरिया, हिस्टोरिया यानी कि अनुसंधान। क्या है? अनुसंधान। तो यहां पर अंग्रेजी शब्द जो है हिस्ट्री, हिस्ट्री, ग्रीक शब्द हिस्टोरिया, अनुसंधान से लिया गया है। इतिहास अनिवार्य रूप से एक ऐसी विधा है जो अतीत के लोगों के अनुभव की अनुसंधान करती है। मतलब कि यहाँ पर जो है अतीत, मतलब जो पास्ट है हमारा, पास्ट में जो लोग रहे हों उनके ही अनुभवों की क्या करती है? अनुसंधान, मतलब खोज करना, खोज करती है। तो यहाँ पर जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की परिभाषा देने का प्रयास किया गया है हिस्टोरियन उपेंद्र सिंह के द्वारा। तो इतिहासकारों ने अतीत का कई कालखंडों में क्या है, डिवाइड किया है, विभाजित किया है। तो यहाँ पर अतीत के लोगों के अनुभव का अनुसंधान करती है कौन? इतिहास, ये यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हिस्टोग्राफी का भी एक छोटा सा पोर्शन क्या है, इस बुक में ऐड किया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक मैप है जिसमें अभी हमने इससे पहले जो भौगोलिक परिस्थिति देखी थी इंडिया के बारे में कि किस प्रकार से यहाँ पर सतलज, रावी, चेनाब, झेलम कौन से क्षेत्र में पड़ते हैं, तो भारत और पंजाब वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान का उधर पड़ती हैं। साथ ही हमने नर्मदा और ताप्ती, गोदावरी इन सब के बारे में यहाँ पर देखा था कि किस प्रकार से जो है दक्षिण का भाग जो है पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं उनसे क्या है डिवाइड, मतलब एक सीमा यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। साथ ही बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और ये जो है उत्तर पश्चिम, इन सब के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये तिब्बत का पठार हो गया। तो ये सारे एक मैप के माध्यम, मतलब मैप इस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। जो चीजें लिखी गई हैं उसको मैप के द्वारा भी यहाँ पर बताया गया है। तो बहुत ही जो हमने लिखा उसको अगर हमने मैप में भी देखा कि कौन कौन सी चीजें कहाँ पर है, तो क्या है हमारे दिमाग में एक पिक्चर के माध्यम से, एक रीडिंग के माध्यम से क्या है दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाती हैं। आगे देखेंगे, हमने यहाँ पर हिस्टोग्राफी के बारे में थोड़ा सा देखा था, पढ़ा था कि जो हिस्ट्री है वो पास्ट के, मतलब पास्ट में भूतकाल में जो लोग रहे हैं उन्हीं की विचारों का अनुसंधान है। आगे है बांटने का प्रयास किया गया, मतलब बहुत सारे भागों में इतिहास को बांटने का प्रयास किया गया, किंतु इस कालखंडों को अध्ययन करने के लिए सुविधाजनक होने के अतिरिक्त अर्थपूर्ण तथ्य सुसंगत भी होना चाहिए। तो हिंदी की बुक में है इसलिए यहाँ पर क्या है थोड़ी सी मिसिंग हमें देखने को मिलती है। क्या कि जो यहाँ पर टेक्स्ट हैं हिंदी के वो क्या है शुद्ध रूप में नहीं है। जैसे यहाँ पर अर्थपूर्ण तथ्य है या क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है मिसिंग है, मतलब प्रिंटिंग यहाँ पर मिसिंग हमें देखने को मिलती है। साथ ही आगे देखते हैं, इसके साथ ही काल विभाजन की सीमाओं से परिचित होना ही आवश्यक है। तो यहाँ पर इतिहासकार हिस्टोरियन जो है उपेंद्र सिंह जी कहती हैं कि यहाँ पर क्या है कि हमें जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ें तो हमें हमें क्या होना चाहिए, काल विभाजन की सीमाओं से परिचित होना चाहिए। बहुत समय तक इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को क्रमशः हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा है। तो बिल्कुल सही है, स्टार्टिंग में हमें हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटते हुए हमें
देखने को मिलता है। तो कई इतिहासकारों ने बांटा है, यहाँ पर कोई भी हिस्टोरियन का नाम नहीं है। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इसी तरह हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश काल इसी भाग में क्या है, बांट रखा है। परंतु यह काल विभाजन क्या है, त्रुटिपूर्ण है। तो हिस्टोरियन हमें समझाता है कि ये इस प्रकार का क्या है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश काल इस तरह से बांटना क्या है, हमें इस काल को विभाजन क्या है, मतलब त्रुटिपूर्ण है, मतलब दोषपूर्ण है। और कई दृष्टि से इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, क्या शासक वर्ग की धार्मिक आस्था ऐतिहासिक कालों के निर्धारण का सबसे अच्छा आधार है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी क्या है इस बुक में हमें देखने को मिलते, साथ ही यहाँ पर आंसर भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो हमें मैपिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, जो चीज लिखी गई है उसको मैप के द्वारा भी हमें बताया गया है, साथ ही यहाँ पर बीच बीच में क्वेश्चन भी किए गए हैं, साथ ही उसका आंसर भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो इसमें जब हम इस बुक को पढ़ते हैं तो जो स्टूडेंट है उसके दिमाग को खोलने का भी एक तरह से प्रयास करने का प्रयास किया गया है। प्राचीन भारत के संदर्भ में हम कब से हिंदू काल का आरंभ मान सकते हैं, ये क्वेश्चन है। प्राचीन भारत के उन शासकों के काल को किस प्रकार हम ये कह सकते हैं जिन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म को स्वीकार कर लिया है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। क्या मुस्लिम शासकों के आगमन से भारतीय समाज के अस्तित्व में कोई अभूतपूर्व परिवर्तन आया, विशेषकर तब जब मुगल काल के शीर्ष बिंदु को छोड़कर उनका शासन कभी भी संपूर्ण उपमहाद्वीप पर अथवा उसके अधिकांश भाग पर स्थापित नहीं हो सका है? इन्हीं कारणों, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, तो ये इन्हीं कारणों से अधिकांश इतिहासकारों ने अब भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश काल में बांटने की अपेक्षा प्राचीन, पूर्व मध्यकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के निरपेक्ष विभाजन की प्राथमिकता दी है। तो पहले उन्होंने कहा कि पहले क्या है, हिस्टोरियन हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश काल में क्या है, डिवाइड करते थे किसको, इतिहास को, इतिहास के कालखंड को। लेकिन अब क्या है, अब हम इसको प्राचीन, पूर्व मध्यकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में क्या है, विभाजन करने की प्राथमिकता देते हैं, और ये कहीं ना कहीं रूप से सही भी है। आगे देखते हैं, इन कालों के विभाजन की तिथियां अलग अलग इतिहासकारों के लिए भिन्न हो सकती हैं, किंतु सामान्य रूप से प्रारंभिक काल से लेकर छठी से तेरहवीं शताब्दी तक पूर्व मध्यकाल और तेरहवीं से अठारहवीं शताब्दी के बीच क्या है, मध्यकाल, तथा अठारहवीं शताब्दी से वर्तमान तक आधुनिक काल के रूप में क्या है, स्वीकारा जाता है। वर्तमान काल में ऐसे शब्दावली मीन्स टर्मोलॉजी का प्रयोग किया जाने वाला उपयोग इतिहास को धर्म आधारित लेवल से कहीं दूर हटाकर महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की तरफ ध्यान क्या करता है, केंद्रित करता है। तो इन्होंने कहा, हमारे जो हिस्टोरियन है उपेंद्र सिंह जी, इन्होंने भी कहती हैं कि हम क्या है, धार्मिक लेवल को देने से बेटर है हम दूसरा यहाँ पर इस्तेमाल करें, कैसे, प्राचीन, मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इससे क्या होगा, हमारा जो लेवल है, धर्म आधारित लेवल है, उससे दूर हटकर हम सामाजिक, आर्थिक और इन सब में जो परिवर्तन हुए हैं प्राचीन भारत में, पूर्व मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत में, आधुनिक भारत में, जो भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए हैं उसकी तरफ हम क्या करेंगे, ध्यान आकर्षित करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे और मानव सभ्यता के अतीत के प्रारंभिक हिस्से या प्राचीन काल को पुनः दो भागों में बांटा गया है। तो प्राचीन यहाँ पर सिर्फ इस यहाँ से क्या है, प्राचीन भारत की बात हो रखी है, और इससे पहले जो है पूरे इतिहास को तीन भागों में, पहले के हिस्टोरियन बांटते थे हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश काल, लेकिन अब के जो है वो प्राचीन,
मध्यकाल, मध्यकालीन और आधुनिक इस भाग में डिवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे इस प्राचीन वाले को, तो प्राचीन वाले में ही क्या है, दो भागों में बांट रखा है, एक प्राग इतिहास और दूसरा जो है इतिहास। इतिहास लेखन के लेखन कला जो है, मतलब लिखने जब से स्टार्ट हुआ है, तो लेखन कला के आविष्कार से पहले की एक बहुत लंबी अवधि प्राग इतिहास कही जाती है। प्राग इतिहास क्यों, जबकि अतीत का वह हिस्सा जब लेखन कला का उद्भव हुआ उसके बाद से साक्षर समाजों के अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो प्राग इतिहास मतलब वहां पर जो सामग्री है उसका पढ़ा नहीं गया, कुछ भी लिखा नहीं है, और जब से लेखन कला क्या हुआ है, उद्भव हुआ है, उस साक्षर मतलब पढ़े लिखे समाजों के अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं, इतिहास कहलाता है। आगे है, एक भाषा का अभिप्राय संवाद के लिए प्रयुक्त होने जाने वाले प्रतीकों से है, जबकि लिपि अथवा लेखन का अभिप्राय दृश्य संप्रेषण की उस व्यवस्था से है जो विशिष्ट अर्थ और स्वर से जुड़े प्रतीकों का प्रयोग किसी प्रकार के सतह पर लिखकर करता है। मानव सभ्यता में भाषा का प्रयोग, अब यहाँ पर यहाँ से इम्पोर्टेंट है, मानव सभ्यता में भाषा का प्रयोग लिपि के विकास के लिए बहुत पहले से होने लगा है। तो यहाँ पर एक लिपि का डेवलपमेंट बताया गया है कि किस प्रकार से जो है इतिहास में जो लिपि का कार्य है, लिखने का जो काम शुरू हुआ है वो कहाँ से है। तो सबसे पहले जो है मेसोपोटामिया की यानी कि प्राचीन इराक जो है क्यूनिफॉर्म लिपि का आविष्कार होता है। तो क्यूनिफॉर्म लिपि कहाँ का है, मेसोपोटामिया प्राचीन इराक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका आविष्कार 3400 ईसा पूर्व यानी बीसी बिफोर क्राइस्ट तथा मिस्र के हायरोग्लिफिक्स लिपि का आविष्कार जो है 3100 ईसा पूर्व पहले ही हो चुका था। तो एक तो क्यूनिफॉर्म हो गया और हायरोग्लिफिक्स लिपि जो है जो कि मिश्र की थी इसका आरंभ हो चुका था। अब भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो किसी प्रकार की लिपि का प्राचीनतम प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। इसकी तिथि अभी तक जो है 2600 बिफोर क्राइस्ट मानी जाती है, किंतु आदितन अध्ययनों से इस तिथि को प्रायः चौथे शताब्दी से दूसरे चरण तक पीछे ले जाने के प्रमाण क्या है, मिलते हैं। मेसोपोटामिया की लिपि जो है सामान्यतः उस काल में गीली मिट्टी के बने टैबलेट यानी पटल, इस तरह के पटल होते थे, उस पर गीली मिट्टी होती थी और फिर उस पर क्या है लिखा जाता था। जबकि मिश्रवासियों के देखें तो सर कंडे से बने पेपीरस पत्रों पर यानी पेपीरस पत्र होते थे यानी शीट होती थी, उनका प्रयोग किया जाता था। वहीं हम हड़प्पा वासियों की लिपि का आविष्कार अधिकांश जो है मोहरों और मोहर बंद पर अंकित की गई थी। फिर भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनके लेखन से जुड़े जो प्रमाण आज हमारे पास उपलब्ध है उनके अतिरिक्त इन लोगों की ऐसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता होगा जो कालांतर में क्या हो गए, नष्ट हो गए। मतलब यहाँ पर जो है सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता वासियों की इसलिए लिपि नहीं पढ़ी गई क्योंकि हड़प्पा वासियों से और जो हमें लिपि मिली है मतलब जो लिपि पढ़ी गई है वहां से और इसके बीच क्या है कोई कनेक्टिविटी मतलब कोई लिपि के एग्जाम्पल हमें नहीं देखने को मिलते। अगर ये इसके और जो हम पढ़ते हैं लिपि जब से स्टार्ट हुआ इसके बीच जो अगर लिपियां मिल जाए तो हम हड़प्पा वासियों की जो लिपि है उसको भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये जो एक कड़ी है वो मिसिंग है, इसलिए हम हड़प्पा वासियों की जो लिपि है उसको नहीं पढ़ सके हैं। इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है। आगे है, वस्तु का लेखन कला के विकास ने मानवीय अभिव्यक्ति
आगे बताते हैं कि जो लेखन कला की कला का विकास है वो मानवीय अभिव्यक्ति मतलब मानव अपनी अभिव्यक्ति करता है, संवाद की दृष्टि से एक नए युग का सूत्रपात किया है, उनके द्वारा विचार तथा ज्ञान के संग्रह तथा हस्तांतरण की असीम संभावनाएं उत्पन्न हो गई थी। मतलब जो लिपि है, लिपि के माध्यम से हम एक भाषा अपनी भाषा जो है दूसरी जगह हमें पहुंचाने का काम यानी कि जो संप्रेषण है वो हमें लिपि के माध्यम से ही देखने को मिल रहा है। आगे है कि शासक वर्ग ने लेखन का उपयोग अपनी शक्ति के विस्तार के लिए किया है। तो यहाँ पर हिस्टोरियन उपेंद्र सिंह बताती हैं कि जो शासक वर्ग है उन्होंने लेखन का उपयोग किस लिए किया, अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए किया है। व्यवसायी वर्ग ने व्यापारिक आदान प्रदान का ब्यौरा रखने के लिए किया है। पुरोहित वर्गों ने अपने धार्मिक ग्रंथों को संरक्षण के लिए किया है और रचनाकारों ने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए सदा के लिए संजो कर रखने के लिए किया है। लेखन कला के विकास के पीछे अतीत के लोगों को समक्ष जो आवश्यकता रही होंगी उसके विषय में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, किंतु विश्व भर में लेखन कला का विकास नगरों और राज्यों के उद्भव और विकास के अन्योन्याश्रय रूप से जुड़ा मालूम पड़ता है। यही कारण है कि इतिहासकार लेखन कला के उद्भव को प्राचीन संस्कृतियों के विकास के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं। आगे है, स्वाभाविक है कि वैसी परिस्थितियों में सभी लोग पढ़ना मतलब जिस समय ये लिपियां लिखी गई ऐसा नहीं है कि वहां पर क्या है सभी लोग पढ़ना लिखना जानते थे। लेखन की जानकारी रखने वाले लोग अपने उनसे अधिक प्रभावी होते होंगे, उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त ये भी सच है कि लेखन कला के आविष्कार से मौखिक परंपरा के अंत होने का बोध नहीं होता है। मतलब हमारे भारत में जो है मौखिक परंपरा भी क्या है प्रचलन में थी, और ये कब से है, ये बहुत सालों से है, बहुत जब से मनुष्य ने बोलना स्टार्ट किया होगा। तो एक मौखिक परंपरा मतलब हमारी मौखिक परंपरा मतलब यहाँ पर एक दंपत्य हैं, इनके जो पुत्र होंगे वो इनको ये शिक्षा देंगे मौखिक रूप में और फिर ये अपनी फैमिली बनाएंगे। तो ये मौखिक रूप से ही क्या है इनको जो भी शिक्षा देंगे वो मौखिक रूप से होंगे। तो ये हो गई मौखिक परंपरा। आगे है, बल्कि बहुत सी संस्कृति परंपराओं में इसका महत्व विशेष रूप से बना रहा तथा पांडुलिपियों की लोकप्रियता के पश्चात भी यह महत्व यथावत बना रहा। कौन सी? ये मौखिक परंपरा। इन पांडुलिपियों का मौखिक संस्करण कई परिस्थितियों में अधिक लोकप्रिय और जनसुलभ माध्यम बना रहा। इतिहासकारों के लिए लेखन की शुरुआत विशेष महत्व रखती है क्योंकि लिखित प्रमाण इतिहास में निश्चित रूप से अधिक मान्य है। मतलब यहाँ पर मौखिक परंपरा की बहुत ही सुलभ है, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इसको प्रमाणिक ज्यादा नहीं माना जाता है। माना किसको जाएगा जो लिखित रूप में हमें मिले हैं। फिर भी लिखित सामग्री मानव अतीत के एक अल्प अवधि का ही इतिहास प्रस्तुत करता है। पूर्व इतिहास या लेखन कला के उद्भव से पहले का कार्य जो है पूर्व साक्षर मानव सभ्यता के इतिहास को समझना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। ये भी सच है कि लिखित स्रोत के साथ साथ पुरातात्विक स्रोत के इतिहास में अपना एक स्थान है। आगे है, अब यहाँ पर एक हड़प्पा सभ्यता की जो है एक लिपि यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से बताई गई है। आगे है, यहाँ पर देखते हैं भारतीय महाद्वीप के संदर्भ में लिखित परंपरा का प्रश्न कुछ जटिल हो सकता है। हड़प्पावासी साक्षर थे, ठीक है, हड़प्पावासी साक्षर थे ये यहाँ पर बताया गया, किंतु उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इतिहासकार हड़प्पा के संबंध में अध्ययन के लिए उनका उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा रहस्य ये है कि 19वीं शताब्दी से ईसा पूर्व से हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद का उपयोग नश्वर माध्यमों पर करते रहे हैं, किंतु 19वीं शताब्दी
ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच किसी भी लिपि का हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। तो मैंने पहले ही यहाँ पर बता दिया कि जो हड़प्पा की जो लिपि है और जो हमने हमारे द्वारा पढ़ी गई लिपि जहाँ से स्टार्ट होती है उनके बीच क्या है, हमें लिपि का कोई भी उदाहरण नहीं मिला है। इसलिए हम क्या है, हड़प्पा वासियों की जो लिपि है ये वाली, उसको हम नहीं पढ़ सके हैं। इस प्रकार हड़प्पा लिपि उपमहाद्वीप की प्राचीनतम लिपि अवश्य है, किंतु किंतु ब्राह्मी हमारी पढ़ी जा सकने वाली प्राचीनतम लिपि है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले प्राचीनतम लिपि कौन सी है, तो प्राचीनतम लिपि हम कहेंगे हड़प्पा लिपि है उपमहाद्वीप में, परंतु पढ़ी जा सकने वाली प्राचीनतम लिपि कौन सी है हमारी, तो ब्राह्मी हमारी प्राचीनतम लिपि है पढ़ी जा सकने वाली। हमारे लिए चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से उपलब्ध है कौन सी, यही ब्राह्मी लिपि। कब से, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से ये उपलब्ध है तथा दोनों लिपियों में कोई विशेष साम्य भी सिद्ध नहीं होता है। आगे है, उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारत के संदर्भ में इतिहास पूर्व इतिहास और इतिहास के बीच सीमा रेखा खींचना कठिन है, इसलिए आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। यूरोपीय संदर्भ में प्रोटो हिस्ट्री का अन्यथा भी प्रयोग किया गया है, वैसे समुदाय के विषय में भी इनका प्रयोग किया जाता है जो स्वयं तो लिपि का प्रयोग नहीं करते थे, किंतु इन समुदायों का संदर्भ साक्षर समुदायों की लिपि में आता रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इसका प्रयोग हड़प्पा वासियों के लिए किया गया जो साक्षर संस्कृति तो थी किंतु उनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। इस शताब्दी को जो है 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व के बीच जो है वैदिक संस्कृति के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है, जिनके साहित्य को भौतिक परंपरा मैं सुरक्षित रखा गया है, किंतु उन्होंने किसी लिपि का प्रयोग नहीं किया है। पुरातत्व में प्रोटो हिस्ट्री को का प्रयोग जो है खाद्यान्न उत्पादन की शुरुआत से लेकर लौह युग के आरंभ होने तक के लंबे समय के लिए भी होता है। इस लंबे समय के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में पनपी नवपाषाण और ताम्रपाषाण संस्कृतियां भी आती हैं। आगे है यहाँ पर कि भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल भौगोलिक संदर्भ में स्वाभाविक रूप से लिपि की शुरुआत समरूपता नहीं रही है। साक्षर हड़प्पा वासियों के काल की बहुत सी संस्कृतियां साक्षर नहीं थी। संस्कृतियां क्या है, बहुत सी साक्षर नहीं थी लिपि के पढ़े जाने के आधार पर। उत्तरी भारत का इतिहास युग जो है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, फिर भी ऐसा स्वीकार किया जाता है कि लिपि युग का प्रारंभ जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है, किंतु 200 वर्षों तक सामान्य रूप से नश्वर माध्यमों का उपयोग किया जाता रहा है। इन शताब्दियों के शासकों तथा दार्शनिकों की सूची उत्तर भारत के लिए उपलब्ध है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के अनुराधापुर से ब्राह्मी अभिलेख मिलते हैं तथा दूसरी शताब्दी से हमें ईसा पूर्व से तमिल ब्राह्मी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार चौथी तथा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच संगम साहित्य में प्रतिबिंबित राजनीतिक इतिहास के द्वारा दक्षिण भारत में ऐतिहासिक काल के आगमन के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा संभव है कि जब हड़प्पा लिपि को प्रमाणिक रूप से पढ़ लिया जाएगा तब क्या है, उत्तर भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व या इससे पहले मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट है कि अगर लिपि को पढ़ लिया जाएगा तो जो हमारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले उत्तर भारत में जो ऐतिहासिक काल है उसको तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मान लिया जाएगा अगर लिपि को पढ़ लिया गया। तो ऐसे कुछ अनुमान जो है यहाँ पर बताए गए हैं हिस्टोरियन के द्वारा। तो यहाँ पर ये रही हड़प्पा यहाँ पर मिश्रवासियों की लिपि है सबसे पहले है, हड़प्पा की मुहर है यहाँ पर, और फिर ये मिश्रवासियों की है,
मिस्र वासियों की है। और फिर ये जो है कीलाक्षर, इसको बोलेंगे कीलाक्षर, नीचे भी दिया है मेसोपोटामिया की कीलाक्षर और मिस्र की जो है चित्र, यहाँ पर चित्र लिपि है मिस्र वासियों की और मेसोपोटामिया की कीलाक्षर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ पर जो बताया गया है कि किस प्रकार से इतिहास को तीन भागों में डिवाइड करते थे और आज के टाइम में किस प्रकार से प्रासंगिक है, इसको डिवाइड करना उपयुक्त है। और फिर लिपियों के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार कौन से काल को यानी प्राचीन भारत के इतिहास को दो भागों में डिवाइड किया है। एक वो वाला जहाँ पर लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है और वहां पर क्या है लिपि हम नहीं पढ़ सकते, और दूसरा जहाँ से हम लिपि स्टार्ट होती है, मतलब हमें लिखित सामग्री हमें प्राप्त होती है। तो ये कुछ इतिहास का वर्गीकृत करने का यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है, आपको समझ में आया होगा। और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। तो प्रारंभिक भारतीय इतिहास की बदलती हुई व्याख्याएं भी यहाँ पे देख लेते हैं, ये हम करेंगे अगले टॉपिक में। तो मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, जब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।